मन की उलझनों का, और ये उलझनें जब कभी मन की हथेलियों पर रख सहलाई जाती हैं तब बनती है कुछ अधूरी बातें मन की। आज हम यहाँ इसीलिए इकट्ठे हुए हैं कि कुछ अधूरी बातें मन की, जो कवि मनीष मुंद्रा की एक पुस्तक है, पहली पुस्तक है ये कहना चाहूँगी, और उसी के इनोग्रेशन, उसी के विमोचन के लिए आज हम सब यहाँ पर हैं। तो सबसे पहले मैं मनीष को मंच पे बुलाना चाहूँगी। फिल्मी दुनिया का सफ़र 2015 से आंखों देखी के साथ शुरू हुआ, जो आज एक मुकाम हासिल कर चुका है। चार फिल्में मसान, धनक, कड़वी हवा, न्यूटन नेशनल अवार्ड के लिए चुनी जा चुकी हैं। स्कूली शिक्षा देवघर झारखंड में पूरी करने के बाद कॉलेज की पढ़ाई आपने जोधपुर राजस्थान से पूरी की, और वर्तमान में नाइजीरिया अफ्रीका में इंडोरामा फर्टिलाइजर्स में MD CEO के पद पर कार्यरत हैं। मनीष ने बहुत कम समय में बतौर प्रोड्यूसर अपने आप को स्थापित किया है और दृश्यम फिल्म्स की स्थापना की है। उन्हीं के शब्दों में अगर उनका परिचय दूं तो यह कहा जा सकता है कि मेरी ख्वाहिशें मुझे आज यहाँ तक लाई हैं। मैं जिंदगी से कामयाबी, शोहरत और अमीरी चाहता था, जो वक्त के साथ हासिल भी की है, लेकिन एक और हुनर था कूची को रंग में डुबोकर कैनवस पर रंग बिखेरना और शब्दों के ताने बानों से कविताएँ लिखना, और ये शौक़ आज इन्हें हम सब के बीच लेकर आया है। शाम को आगे बढ़ाने के लिए हमारे साथ हमारे अजीज़ और बहुत ही खूबसूरत मेहमान हमारे बीच हैं, वरिष्ठ साहित्यकार इकराम राजस्थानी जी। स्वागत करना चाहूँगी सर आपका, मंच पर आप तशरीफ लाएं प्लीज़, और चाहूँगी फ्लोरल वेलकम के साथ मनीष आपका स्वागत करें। हिंदी, उर्दू, राजस्थानी पर आपका लेखन कार्य है, आकाशवाणी केंद्र के आप पूर्व निदेशक रहे हैं, हजारों कविताएं, कहानियां, नाटक, झलकियों का प्रकाशन और प्रसारण हुआ है, अनेक पुस्तकों के लेखक और राजस्थानी काव्य अनुवादक के तौर पर रविंद्रनाथ टैगोर की अंजलि गीतानी का नाम प्रमुखता से लिया जा सकता है। आपका बहुत स्वागत है सर। और हमारे साथ हैं SS बिस्सा साहब। उनके लिए मैं ये कहना चाहूँगी कि मैंने गांधी जी को नहीं देखा, सिर्फ पढ़ा, उनके बारे में सुना, लेकिन उस पढ़ने और सुनने से ज़्यादा मैं अपने आप को खुशकिस्मत मानती हूँ कि ऐसी शख्सियत से मिलने का मुझे मौका मिला जो गांधी जी के जीवन से प्रेरित हैं और गांधी जी के जीवन से प्रेरणा लेते हैं और उन्हें ही अपना प्रेरक मानते हैं, उन्हीं के दिखाए रास्ते पर चलते हैं। सादगी, सरलता और चेहरे पर आध्यात्मिक तेज और प्रशासनिक कौशल से परिपूर्ण व्यक्तित्व हैं बिस्सा साहब, और आप एकमात्र ऐसे अधिकारी रहे हैं जिन्होंने पुलिस के साथ साथ प्रशासनिक सेवा, दोनों ही सेवाओं में अपनी उपलब्धियाँ दी हैं और देश की सेवा की है। सर आपका बहुत स्वागत है। और फ्लोरल वेलकम के लिए मैं मनीष को बोलूँगी कि आप स्वागत करें सर का। कल्पना करने के लिए कुछ नया रचना और उसके लिए दीवाना होना बहुत ज़रूरी है, और ये दीवानगी हमें तब हासिल होती है जब हम अपने मन की सुनते हैं, और अब वो वक्त है जब हम सबसे पहले उस किताब का कवर देखें कि क्या है कुछ अधूरी बातें मन की। तो मैं आप सभी से अनुरोध करूंगी कि एक फॉर्मल जो अनवीलिंग, बुक अनवीलिंग है, उस प्रक्रिया को हम पहले करें और अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं।
और अब क्योंकि बुक का कवर हमारे सामने आ गया है और इसका शीर्षक है कुछ अधूरी बातें मन की, तो सबसे पहले मैं मनीष से ये सवाल करना चाहूंगी कि क्यों है ये अधूरी बातें? सबसे पहले मैं वापस एक बार धन्यवाद देना चाहूँगा बिस्सा साहब का, इकराम साहब का, आपके आशीर्वाद का। बहुत महत्वपूर्ण है ये आशीर्वाद मेरी जर्नी के लिए, मेरे सफ़र के लिए। जब हमने जयपुर तय किया था कि जयपुर में होना चाहिए, क्योंकि जयपुर में लिटरेचर की धुरी बनता जा रहा है जयपुर, और हमें लगा कि यहाँ पे आके हम अपनी बात करेंगे तो शायद इसकी गूंज, इसका रेसोनेंस जो है काफ़ी दूर तक जाएगा। थैंक यू फॉर कमिंग, थैंक यू फॉर बीइंग हियर। इट्स एन ऑनर फॉर मी पर्सनली, एंड थैंक यू अंशु फॉर ऑर्गेनाइजिंग ऑल दिस। कमिंग टू द क्वेश्चन, इस किताब का नाम कुछ अधूरी बातें मन की क्यों है? एक्चुअली अगर आप देखें तो जो कविताएं मैंने लिखी हैं वो मेरे और मेरे मन के बीच की बातें हैं। मन हमेशा कुछ हमसे बातें करता रहता है। कभी हम मन को अनसुना सा कर देते हैं, कभी हम इतने ज़्यादा बिजी हो जाते हैं, इतने ज़्यादा दूसरे कामों में व्यस्त हो जाते हैं कि मन की बात हम सुन नहीं पाते, पर मन हमसे बातें करता है बराबर। मेरा और मन का कुछ वास्ता ऐसा ही है कि हम दोनों आपस में बहुत बातें करते हैं, और ये बातें अक्सर अधूरी रहती है इसलिए क्योंकि ज़िंदगी अधूरी है। जब तक ज़िंदगी पूर्ण होगी तब शायद मन की बातें भी पूर्ण होंगी। तो ये जो बातें हैं, कुछ जो इसमें आलेख है मेरा, जो ये कविताएं लिखी हैं मैंने, वो मेरे और मेरे मन के बीच की बातें हैं, जो कभी मन मुझसे करता है या कभी मैं मन से करता हूँ, जो कभी मन मुझ में देखता है या कभी मैं जो मन में देखता हूँ। इसलिए इसका शीर्षक जो है मैंने सोचा कुछ अधूरी बातें मन की रखा जाए, चूँकि ये मेरी पहली किताब है। चलिए, बहुत ही खूबसूरत। लेकिन अब आगे बढ़ेंगे हम। सबसे पहले आपकी कविता, ये नहीं कहूँगी बेहतरीन आपको कौन सी लगती है, लेकिन जो भी पहला पन्ना मुड़ा हुआ है उसको आप सुनाइए। आपकी मन की पहली बात कह दीजिए। पहले मन कहाँ शुरू हुआ? हाँ, लेकिन वो भी अधूरी ही रखिएगा। हाँ ये कविता जो जिससे मैं काफ़ी प्रेरित हुआ हूँ लाइफ से, ये मेरी ज़िंदगी का फ़लसफ़ा भी रहा है कि जब भी मुझे कभी कन्फ्यूजन होता है, कुछ मन में डाउट्स होते हैं, तो मैं हमेशा उस दोराहे पे, उस चौराहे पे खड़ा होकर के सोचता हूँ ये राह कौन सी है और मुझे कौन सी राह लेनी है। तो इस कविता का शीर्षक है दो राहें। ज़िंदगी के रास्ते में दो राहें मिलेंगी, एक राह जहाँ मिलेंगी भीड़ बेहिसाब, पर मिलेगा ना कोई सवाल न देने वाला कोई जवाब। हवा के रुख से तय होंगे फासले और फैसले वहाँ, सपनों का ना कोई मोल होगा, आंसुओं का ना कोई तोल होगा। खुशियाँ खोखली, झूठी हमदर्दी, झूठे रिश्तों की होगी लंबी टोली। टूटते चले जाओगे जुड़ने की कोशिश में, उसूल बिकेंगे खुद बिकोगे मोह माया और समझौतों की साजिश में। हो सकता है कुछ साथ मिले, कभी कभार एकाध सुहानी रात मिले, पर उजालों की चकाचौंध में, अक्सर खुश दिखने की चाहत में, मन में अंधेरा का घेरा होगा, इन सब के बीच फिर एक दिन तुम मर जाओगे, इस भीड़ में कहीं हमेशा के लिए दफना दिए जाओगे। दूसरी राह काफ़ी लंबी होगी, कटीली होगी, अकेले होगे तुम, या फिर शायद इक्का दुक्का लोग मिल जाएं। यहाँ खुद से लड़ना होगा, अपने विचारों को खुद चुनना होगा, पर सपनों का साथ होगा, हाँ तुम्हारा अपना जोश तुम्हारे पास होगा। कई सवाल उठेंगे, कई जवाब भी मिलेंगे पहली राह की भीड़ से, मगर फैसले तुम खुद करोगे, अपने आंसू तुम खुद पहुँचोगे। कभी मन भयभीत होगा, लेकिन यह जीवन एक जीत सा होगा, सांसें इस राह पर भी थमेंगी, मृत्यु इस राह पर भी होगी, पर तुम्हारे उसूल तुम्हारे बाद भी जिंदा रहेंगे, तुम खुद को पाओगे, अपने होने की सही वजह समझ पाओगे। अब तुम खुद तय करो किस राह तुम जाओगे।
बहुत अच्छा है, क्या कहें। और अब मैं बिस्सा अंकल आपसे पूछूंगी, क्योंकि आपने इस किताब को पढ़ा है, तो आपकी क्या राय है, क्योंकि कवि मन बिल्कुल नए हैं उनके हिसाब से। थैंक यू। सिंपली मुझे कहा पहले कि मैं कहूं कि मैंने क्या पढ़ा इसमें, और मैं कह रहा था कि जो यह सब करने के हमेशा आदि रहे हैं वो जो कुछ कह चुकेंगे उसके बाद यदि कुछ बचेगा तो कहने की बात रहेगी। सो मैं चाहूँगा कि जो कुछ कहना है वो शंख बजे भाईचारे का, अमन की एक अजान आप रख दें, उसके बाद में मैं दो बात कहूँ ज़्यादा अच्छा रहेगा। अधिकारी बाद में कहते हैं हमें कुछ कहने का सिलसिला कम रहता है, सुनने का ज़्यादा रहता है। सो भाईचारे का शंख बजा दें, अमन की अजान रख दें, फिर मैं सोचता हूँ मैं सिंपली की बात को आगे बढ़ाऊँगा। थैंक यू। चलिए बहुत अच्छा है, बहुत शुक्रिया बिस्सा साहब आपका। सबसे पहले तो मनीष मुंद्रा जी को बहुत शुभकामनाएं, आशीष दुआएं, शुभकामनाएं इस बात के लिए कि वो कविता के क्षेत्र में कदम रखते हैं और कविता को जिस ढंग से उन्होंने जिया है, जिस ढंग से उन्होंने महसूस किया है। लोग अक्सर आदमी के पैदा होने की शुभकामनाएं देते हैं, मैं उनको कवि होने की शुभकामनाएं देता हूँ, क्योंकि ये कहा जाता है कि आत्मा के सौंदर्य का शब्द रूप है काव्य। आत्मा के सौंदर्य का शब्द रूप है काव्य, मानव होना भाग्य है, कवि होना सौभाग्य। तो ये आपको सौभाग्य मुबारक हो, क्योंकि मेरी ऐसी मान्यता है कि आदमी को दरअसल में इंसान जो बनाती है, या साधारण शब्दों में कहूँ आदमी को अगर आदमी कोई चीज़ बनाती है तो वो कविता ही है। जिसके पास कविता है उसके पास दर्द है, उसके पास अनुभूति है, उसके पास संवेदना है, दूसरों के दुख को सहन करने का एक मादा है, दूसरों के गमों में पड़ जाने का एक हौसला है, आगे बढ़ने का एक जज्बा है, ये सब चीज़ें आदमी को कविता देती है। और ये तो बहुमुखी प्रतिभा के धनी हैं, ये प्रोड्यूसर फिल्म के हैं, ये चित्रकार हैं, एक चित्रकार हमारे सामने मेरे साथी गीताई बैठे हुए हैं। देखिए जब आदमी के अंदर से कुछ घुमड़ने लगता है, दर्द उमड़ने लगता है, तो वो कवि हो जाता है, चित्रकार हो जाता है, शायर हो जाता है। आप में ये तीनों चीज़ें अभी से मौजूद हैं। और आपकी पुस्तक को पढ़ने के बाद मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं आपकी ये पहली पुस्तक नहीं मान रहा हूँ, क्योंकि कविता तो एक अनवरत यात्रा है, एक शाश्वत यात्रा है, अंदर से चलती है, अंदर से जलती है, अंदर से उठती है, एक अलाव है जो मन के अंदर जलता रहता है। यह अलग बात है कि उसको लिखने में देर हो जाती है, लेकिन आपकी अनुभूतियाँ, आपकी पीड़ाएँ, आपकी संवेदनाएँ, ये पहली किताब की जैसी नहीं है। मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि आपने उसी शिद्दत के साथ, उसी तीव्रता के साथ आसपास की संवेदना को, आसपास के भटके हुए सपनों को, आसपास की ज़िंदगी के घेरों को इकट्ठा करने की कोशिश की है। किताब में तो इतनी अच्छी अच्छी बातें हैं कि अगर मैं बोलूं तो घंटे दो घंटे मुझे लगेंगे, लेकिन मैं इसके टाइटल पर, शीर्षक पर ही बहुत फिदा हो गया हूं। कुछ अधूरी बातें मन की। देखिए आदमी कभी कभी ऐसा लगता है, हमको ये लगता है कि दिल जो कुछ चाहता है वो सब कुछ कह जाता है, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ रह जाता है। आप हमेशा कोई बात पूरी किसी से कह ही नहीं सकते, और यही कवि होने का सबूत है। जिस दिन आपने सब कुछ कह दिया फिर वो कविता नहीं आएगी, मतलब कहे और अनकहे के बीच में जो क्षण आ रहे हैं वो कविता बनती है। कहे और अनकहे के बीच के क्षणों को हम कविता कहते हैं। कविता वहां से शुरू होती है जब आपको लगता है कि यार अब सब कुछ खत्म हो गया है। उनसे मिलकर हमें रोना था, बहुत रोना था, तंगिए वक्त मुलाकात ने रोने न दिया, वो क्षण ही नहीं आया। बात कहनी थी, बहुत लंबी बात हो गई, ये कैसे कह दें कि मुलाकात नहीं होती है, मिल तो जाते हैं मगर बात नहीं होती है। ये जो बात नहीं होने का सिलसिला है, मनीष जी ने इतने अच्छे ढंग से इसको बांधा है,
और ये सारा श्रेय मैं अंशु और सुमेंद्र हर्ष को देना चाहता हूँ कि इन्होंने इतने अच्छे कवि से हमारी मुलाकात करवाई है। और ये भी कहना चाहता हूँ कि अंशु की पहली किताब के लोकार्पण पे भी मैं ही मौजूद था और ये अच्छा लगता है मुझे कि मेरे जो लोग हैं जो इतना अच्छा काम कर रहे हैं। तो ये जो मन है, मैं कोई इतना बड़ा विद्वान या कोई महापुरुष या संत या कोई ऐसा आलिम फाजिल नहीं हूँ, साधारण सा एक इंसान हूँ, कविता कहने की आदत है तो उसके अंदर मैं जी रहा हूँ। लेकिन जो ये जो मन है, एक बात और समझ में आई अभी अभी मेरे दिमाग में आई कि जब आदमी सब कुछ बात मन की बात पूरी कह देता है तो प्रधानमंत्री हो जाता है। मन की बात जिसने पूरी कह दी वो प्रधानमंत्री हो गया, लेकिन जिसने मन की बात अधूरी रख ली वो इंसान रह गया, वो कवि रह गया, वो शायर रह गया, वो साहित्यकार रह गया। ये जो मन है दोस्तों, ये मन किसी जमाने में, बल्कि आज भी पुराने, जो मैं भी पुरानों में ही हूँ, नए लोगों को देख के खुशी इसलिए हो रही है कि कुछ नए नई कलियाँ खिल रही हैं, कुछ नए फूल जन्म ले रहे हैं, कुछ नई खुशबुएँ आ रही हैं, लेकिन इसका अर्थ ये कतई नहीं है कि जो पुराने लोग हैं वो अपनी जगह पर अहमियत नहीं रखते हैं। शेर ये कहता हूँ कि तुम समझते हो महक गमलों के फूलों की है, तुम समझते हो गमले में नए नए फूल उग रहे हैं, ताज़ा लग रहा है, मकान बहुत अच्छा लग रहा है, खूबसूरती आ रही है, तुम समझते हो महक गमलों के फूलों की है, घर के आंगन में ये खुशबू तो बुजुर्गों की है। ये आपको जो खुशबू मिल रही है, ये जो गंध मिल रही है, जो प्रेरणा मिल रही है, जो अंतर्मन आपका जाग रहा है, अक्सर ऐसा कहा जाता है भाई कि देखिए आपने वो बात कह दी जो आपके दिल में थी, यार दिल में जो बात है वो आपकी जबान पर आ गई। मैं इस बात को आगे बढ़ा रहा हूँ, मैं कहता हूँ कि बात दिल की जबान पे आती है, बात दिल की जबान पे आती है, पर बात दिल में कहाँ से आती है? ये आपके पास जो डेप्थ आ रही है, गहराई आ रही है, वो कहीं और है, वो रिमोट कहीं लगा हुआ, वो कहीं और से कंट्रोल हो रहा है। कवि जो अंदर से कह रहा है वो इल्हाम कह रहे हैं उसे, उर्दू भाषा वाले लोग, इल्हाम होता है, प्रेरणा हो रही है, अंदर से जागृत होता है। तो ये जो मन की बात आपने की है, मैं बिल्कुल आपसे सहमत हूँ कि ये बात अधूरी ही रहनी चाहिए, अधूरी बात ही आपकी क्रिएटिविटी है, अधूरी बात ही आपकी अनवरत यात्रा है। जिस दिन पूरी हो गई बात उस दिन तो कुछ कहने को बचेगा ही नहीं। बहुत पुराना एक दोहा याद ही आ रहा है, आपको मालूम है कि मन जो है वो किसी ज़माने में तोलने की एक इकाई भी है, हम सब जानते हैं एक मन, ये मन भी वही मन है जो तोल रहा है अंदर से चीज़ों को, तोल कर ही बाहर निकाल रहा है। एक मन अधोन मन, आधा मन, देखिए दोनों मन काम में आ रहे हैं मनीष जी, ध्यान दीजिएगा। एक मन अधोन मन, ये ऊंचा नीचा हो, एक तरफ आधा मन है, एक तरफ एक पूरा मन है। एक मन अधोन मन, ये ऊंचा नीचा होए, मन से मन को तोलिए तब मन पूरा हो। तो मनीष जी, आपने जो विषय उठाया है, जो किताब में आपने कहा है, मैं उसके लिए वाकई आपको साधुवाद देना चाहता हूँ, बहुत मुबारकबाद और आशीष देना चाहता हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि आजकल लिखने वालों की बाढ़ आ रही है, बाढ़ आ रही है, बहुत लिखा जा रहा है। मेरा ख्याल यह है कि ज़्यादा लिखने के बजाय अगर हम उसकी क्वालिटी पे, उसके गहनता पे, उसके मंथन पे, उसके कंटेंट पे, उसके थॉट पर विचार करें तो वो ज़्यादा उपयोगी होगा समाज के लिए। और मैं मनीष जी को ये कहना चाहता हूँ कि आपकी किताब को पढ़ करके मुझे ये लगा कि आप नए लोगों की श्रेणी में नहीं हैं, आप एक पूरे कवि की श्रेणी में हैं। अब कहना तो मैं बहुत कुछ चाहता हूँ, लेकिन भाई बिस्सा जी ने मुझे उलझन में डाल रखा है कि मैं शुरू करूँ, मैं बोलूँ, और नहीं, उलझन से मतलब ये मेरे पुराने दोस्त हैं, विद्वान साथी हैं, IAS रहे हैं मगर विद्वान भी हैं और मेरे मगर विद्वान हैं। अच्छा, यकीन मानिए मैं इनको IAS के रूप में नहीं जान रहा था बहुत दिनों तक,
मैं इन्हें केवल मेरे एक लेखक, कवि, साहित्यकार और मित्र कहते थे। जब बाद में एक दिन ऑफिसर के रूप में मुझे मिले तो मैंने कहा कि अरे वाकई आप तो बहुत बड़े आदमी हैं भाई। तो बिस्सा साहब से मेरा बड़ा पुराना स्नेह है। तो मनीष जी, जो कुछ समाज में हो रहा है उनके बारे में मैंने जो सोचा है उसका एक मुक्तक का ये बार बार मुझसे अनुरोध कर रहे हैं। देखिए, पूरे समाज में इस समय, आप कवि हैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इन चीज़ों को हमें महसूस करना है। इस पूरे समाज को हमें एकता के सूत्र में बांध कर रखना है। इस पूरे समाज को हमने इसको मोहब्बत की सुतली से बांध कर तैयार करना है। इस समाज को बिखरने नहीं देना है। और हिंदुस्तान की जो तहजीब है, हमारा जो हिंदुस्तान है, मुझे लोग आधुनिक रसखान कहते हैं। वो इसलिए ही कहते हैं कि मैं जो भी बात करता हूँ देश की करता हूँ, मुल्क की करता हूँ, मुल्क को जोड़ने की बात करता हूँ, देश को तोड़ने की या लोगों को बिखेरने की बात बिल्कुल नहीं करता हूँ। आपको मैं बताना चाहता हूँ कि रसखान मुझे इसलिए कह रहे हैं कि जो रसखान ने कृष्ण भक्ति में लिखा है, मैं भी उसी श्रेणी का आदमी हूँ, उसी में आ रहा हूँ। और उनका नाम सैयद इब्राहिम था, लेकिन वो रसखान के नाम से लिख रहे थे। और जो कुछ उन्होंने लिखा वो इस देश के लिए एक इतिहास है, इस देश के लिए एक प्रेरणा है, इस देश के लिए एक वंदना है कृष्ण की। उनका एक मुक्तक सुनाता हूं मैं आपको कि जात से सैयद था लेकिन नाम से रसखान था, जात से सैयद था लेकिन नाम से रसखान था, कृष्ण भक्ति में ही उसकी जिंदगी का ध्यान था, सब सवैये कृष्ण के चरणों में अर्पित कर गया, उसके मन के वृंदावन में पूरा हिंदुस्तान था। ये जो मन का जो वृंदावन है, इस मन के वृंदावन को हमेशा महकाए रखना है। और बार बार मैं इसीलिए लोगों से कहता हूँ कि इस देश की जो मिली जुली तहजीब है, साझा जो संस्कृति है, आपस की जो मोहब्बत है, इसको जब तक कवि अपनी ईमानदारी के साथ लोगों के सामने पेश नहीं करेगा, क्योंकि समाज में दो तरह के लोग काम कर रहे हैं, एक वो हैं जो इस भावना को अलग ढंग से पेश करना चाहते हैं, एक हम हैं जो इस भावना को इसी भावना के साथ पेश करना चाहते हैं। हम कहना चाहते हैं कि हाथों में गीता रखेंगे, हाथों में गीता रखेंगे, सीनों में कुरान रखेंगे, हाथों में गीता रखेंगे, सीनों में कुरान रखेंगे, मेल बढ़ाए जो आपस में वही धर्म ईमान रखेंगे, शंख बजे भाईचारे का, अमन की एक अजान रखेंगे, काबा काशी सब कुछ होगा, पहले हिंदुस्तान रखेंगे। तो मैं चाहता हूं कि आज का जो युवा कवि आ रहा है, आज का जो युवा चिंतक आ रहा है, आज का जो युवा बौद्धिक चिंतन लेकर आ रहा है, उसको इस बात का भी पूरा ध्यान रखना है कि वो किस तरह के हिंदुस्तान की कल्पना कर रहा है, किस तरह के लोगों की कल्पना कर रहा है, अपने मन से वो दूसरों के मन को कितना पढ़ने की कोशिश कर रहा है। क्योंकि अगर हमने अपने मन से किसी दूसरे के मन को दुखी कर दिया तो फिर वो मन ही बेकार है। ये सारी बातें मन की हो रही हैं। रहीमन मन और रहीम, अब्दुल रहीम खान खाना हिंदी के कवि हैं, अब्दुल रहीम खान खाना नाम है उनका, लेकिन बड़े मशहूर हैं। वो कहते हैं कि रहीमन मन और दूध की देखी एक ही रीत। मन और दूध एक तरह का ही होता है। आपने अधूरे मन की बात की, मैं मन पे आ रहा हूं सारी चीजों को, कि रहीमन मन और दूध की देखी एक ही रीत, दूध फाट घृत कहां गयो और मन फट कहां गई प्रीत यार। अगर मन ही फट गया तो उसके अंदर से प्रीत गायब हो जाएगी। तो मुझे विश्वास हो रहा है मनीष मुंद्रा जी जैसे लोगों को देख करके कि ये वो कलम संभालेंगे, इस कलम को आगे लेके जाएंगे। और मेरा ख्याल अंशु की बारी आ रही है, कुछ और कुछ कंडक्ट करना चाहते हैं, बिस्सा जी को मौका दीजिए पहले बोलने का, तो फिर मैं बाद में बात करूं। क्योंकि मैं तो रेडियो का आदमी हूं और रेडियो के आदमी की खास बात यह है कि उसे तालियों का भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसके सामने श्रोता होता ही नहीं है। आई एम अ मैन ऑफ रेडियो बेसिकली, सो नाइस, इट्स माय प्लेजर टू बी हियर भाई, बहुत अच्छा लग रहा है। तो मुझे अच्छी बात यह लग रही है कि मनीष जी जैसे लोग इस फील्ड में आ रहे हैं, आपने फिल्में इतनी बनाई हैं, आपकी फिल्में राष्ट्रीय स्तर पर चयनित हुई हैं, मैं कामना करता हूं कि आप और अच्छे बनाएं और इंजन की सीटी जैसा गीत भी कोई अपनी फिल्मों में डालें। हम तो जनसाधारण के लोग हैं, हम तो जन कवि हैं, जनता की बात कर रहे हैं, जनता की बात से मुराद आम आदमी की बात करते हैं, तो हम इस तरह से जीना चाहते हैं। और मेरा ख्याल है कि इससे अच्छा अवसर कोई दूसरा हो नहीं सकता कि आज मनीष जी को मुबारकबाद देते हुए मुझे तहे दिल से खुशी हो रही है।
तो नए लोगों की बहुत किताबों के लोकार्पण हो रहे हैं, लोग आ रहे हैं, लेकिन मनीष जी की किताब उन सबसे अलग है। इतनी सादगी से बात कही गई है, इतनी गहराई से बात कही गई है और इतने सीधेपन से, क्योंकि मुश्किल बात, क्लिष्ट भाषा का प्रयोग करना कोई विद्वत्ता नहीं है। क्लिष्ट भाषा का प्रयोग वो कर रहे हैं जो अंदर से बहुत क्लिष्ट हैं, जो साफ सुथरे लोग हैं, दिल के बहुत साफ हैं, साफ कहना चाहते हैं, साफ सुनना चाहते हैं। आपके एक एक शब्द को मैंने गौर से पढ़ा है, कविताओं की विश्लेषण नहीं करूँगा, ना उनकी कोई समालोचना करूँगा, क्योंकि कवि को कवि की समालोचना करने का कोई हक ही नहीं है। मैं केवल प्रशंसा करूँगा आपकी कविता की कि नए लोगों में आपका ये जो मजमुआ है, ये जो संग्रह है, ये संकलन है, ये अपना एक ऐतिहासिक स्थान रखेगा, ऐसा मेरा विश्वास है। बहुत बहुत मुबारकबाद, शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। और अब मैं तो निशब्द हूँ आप दोनों के सामने। धन्यवाद इकराम हिंदुस्तानी जी। आज सब राजस्थान इन इकराम हिंदुस्तानी जी हैं। अच्छा, एक सेकंड, आप मुझे लोग अक्सर ये कह रहे हैं कि आपको अपना नाम इकराम हिंदुस्तानी रखना, हिंदुस्तानी ही हूँ। फिर मैंने मित्रों से ये कहा, भाई मैं देख तो लूँ, फिर लोग कहेंगे कौन से हिंदू, अच्छा मुझे पहले राजस्थानी थे। अब लेकिन आप हिंदुस्तानी से भी आगे हैं, बहुत बरसों से आपको सुना और पढ़ा हुआ है। आपके कहने के पश्चात मेरे कहने को कोई शेष रहता नहीं है, और मन का तो नाम ही मन के ईश हैं, तो मन के ईश है, और उन्होंने अपने मन की बातों को लिखा है। आपने अंत में कहा कि जो सीधे अपने सरलता से लिखते हैं वही कोई काव्य होता है, क्लिष्ट वो लिखते हैं जो मन से क्लिष्ट होते हैं। ये बात आपने बहुत अच्छी कही। सो आपके द्वारा ही सुनी हुई शायद मुझे वो अल्फाज याद आते हैं कि यूं तो होते हैं अल्फाज इजहार मतालिब के लिए, लोग अल्फाज में नीयत को छिपा लेते हैं। इन अल्फाज में कहीं भी नीयत को नहीं छिपाया, जहाँ जहाँ भी मैंने इनको पढ़ा नीयत को नहीं छिपाया, और इतनी शुद्ध सरल शब्दों में उनको लिखा है। अधूरे मन की बात भी है, मृत्यु की बात भी है, जीवन की बात भी है, उड़ान की बात भी है, और विभिन्न तरह की बातों को आपने बहुत ही अभिधा में कहा है, पर लक्षणा साथ में है। अभिधा में जो लक्षणा, अभिधा में लक्षणा का प्रतिध्वनित होना बहुत बड़ी बात होती है, लाक्षणिक कहना लाक्षणिक होता है। ये बहुत अच्छी आपने सुंदर ढंग से इसको पेश किया है। मैं कवि की बात आपने प्रारंभ में कही इकराम जी ने, ये बात बिल्कुल निश्चित है, हम लोग जो यहाँ बैठे हैं सभी, उनका कहीं न कहीं कुछ न कुछ ताल्लुक इस तरह की बातों से है, और कुछ न कुछ इस तरह की बातों से ताल्लुक न होने वाले लोग अभी कहीं और अपनी वो प्रैक्टिकल बातें उनके अंदर चले गए होंगे। हमारा ताल्लुक कहीं न कहीं इससे रहा होगा, वही लोग यहाँ पर हैं, इस बात को समझते हैं। कबीर मनीषी परिभु स्वयंभू, कबीर तो परिभु स्वयंभू होता है, और उसके साथ में वो सारी बातें आती है जो एक शुद्ध हृदय व्यक्ति, दुनिया में वे लोग जिनका इससे कोई ताल्लुक नहीं होता, उन बेचारों पर दया आती है, उन पर दया आती है। मैंने साहित्य संगीत कलाविहीन साक्षात पशु पुच्छ विषाणहीन, इतना सा कहते हुए ही कभी चुप नहीं हुए, तृणम न खादन अपि जीव मानस तद भागधेय परम पशु नाम। साहित्य संगीत और कला से विहीन हैं तो साक्षात पशु पुच्छ और विषाण के है तो पशु, पर पूंछ और सींग नहीं है, लेकिन वो घास नहीं खाता इसलिए पशुओं पर उपकार करता है, ऐसा कहा गया है। तो आज जो सभी लोग बैठे हैं उन्होंने पढ़ करके, और मैं सोचता हूँ उनकी कविताएं पढ़ने के पश्चात कुछ लिखने की प्रेरणा और मिल जाती है, लिखने की इच्छा और डेवलप हो जाती है कि ऐसा भी लिखा जा सकता है, ऐसा मैंने महसूस किया। और मैं विमोचन के लिए मेरी उसमें नहीं आया हूँ। ये बहुत विशिष्ट लगा मुझे
जब मुझे सिंपली ने कहा उर्फ अंशु, आप तो सिंपली तो मैंने ये सोचा कि इकराम जी हैं, सारी बातें उनसे सुनेंगे। असल मैं उनको सुनने के लिए आया था, बहुत दिनों सुना नहीं था इनको, तो उनको सुनेंगे और वो सुनने के बाद में इनकी तारीफ करना भी मेरे लिए तो संभव नहीं है। पंडित रविशंकर सितार बजा रहे हों और मैं जाकर के उनको वाह वाह क्या बजाए, मुझे बांह पकड़ कह दे बेटे क्या समझ में आया, तो मैं क्या जवाब दूंगा। तो इसलिए मैं उतना ज़्यादा कह नहीं सकता, किंतु ये ज़रूर कहता हूँ कि हृदय के अंतरतम कोने से जो भाव निकलता है, जो आपने बहुत ही सटीक बात कही, कविता दिल में कहाँ से आती है, वो दिल जो है ना वहाँ से जो सब, जब वहाँ पर एक प्रसव होता है, वहाँ उसका होता रहता है, होता रहता है, वो जो होता है वो दिल में, वो जो बात आती है, वह एक, मैं सोचता हूँ कि हमारी सांस्कृतिक विरासत जिसको कहते हैं, वही सांस्कृतिक विरासत का पार्ट है, उसके बाद में सांस्कृतिक विरासत इसमें आती है, वो सांस्कृतिक विरासत वहाँ से उत्पन्न होती है, बाद में इसमें प्रतिलक्षित होती है। भले एक तुलिका में आवे, एक आर्किटेक्ट में आवे, एक कवि में आवे, किसी में भी आए, तब जा करके वो प्रतिलक्षित होती है। और निश्चित ही इस तरह की विचारों वाला व्यक्ति, इससे संबद्ध व्यक्ति, अन्य ऐसे जो कार्य है जिन्हें हम वैल्यू लेस कहते, जो वैल्यूज में नहीं आते, उस तरफ अग्रसर नहीं होता, ऐसा माना जाता है और माना जाना चाहिए, ऐसा मेरा विचार है। तो इसलिए बिजनेसमैन, एक बिजनेसमैन, सफलतम बिजनेसमैन, इंटरनेशनल बिजनेसमैन, उनके तरफ से इस तरह का यह संग्रह आए, यह और अच्छा सुकून देता है और मन में एक अच्छी भाव देता है कि एक नया कार्य प्रारंभ हो रहा है। मैं बहुत बहुत आपको इसके लिए धन्यवाद दूंगा। मुझे इसमें कुछ कविताएं पढ़ने के पश्चात अमृता प्रीतम की कागज़ दे कनवास याद आई, और उनकी वो जो रात उंगलांदी पई, किसी ने किसी की छाती ने सुन हलाई है, ऐसा कुछ मुझे इसमें एक दो कविताओं में लगा। मुझे लगा कि ये इस स्तर पर अभी से हैं तो आगे तक कहाँ कहाँ आप वो छुएंगे। ये ईश्वर से प्रार्थना है कि आपका मन इसकी भांति आगे बढ़े और आप आगे इस ऊंचाइयों को छूते रहें। मन की बातें अधूरी तो रहेगी, रहनी भी चाहिए, रहनी भी चाहिए, और यह बात आज नहीं बहुत पहले से ही कही जाती रही है कि ये जीवन की यही विडंबना है कि कैसे कहाँ से कहाँ तक पहुँचता है वो। प्रसाद ने बहुत अच्छा लिखा है, मुझे वो पंक्ति याद नहीं आ रही अभी, कि मन और ज्ञान दूर कुछ क्रिया भिन्न है, इच्छा क्यों पूरी हो मन की, ज्ञान दूर कुछ क्रिया भिन्न है, इच्छा क्यों पूरी हो मन की, एक दूसरे से न मिल सके, यही विडंबना है जीवन की, जीवन भर ये विडंबना बनी रहती है। और इस तरह की बात, इस विडंबना भी आपकी विडंबना में, इसमें विडंबना आई है और यही बात आई है कि किस तरह से उसको ज्ञान क्रिया और इच्छा का साम्य, जीवन का एक ताल होता है, उस ताल के बिना जिंदगी बेताला हो जाती है। सुरों की ताल के बाज यमर विचारों की ताल, और विचारों की ताल से जिंदगी बेताला होने से बचती है। मैं चाहता हूँ कि इसके माध्यम से हमारी ताल से ताल मिले, आपसे हमारी ताल मिलती रहे। ये ताल मिलाने सभी लोग आए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आगे के लिए ईश्वर से प्रार्थना कि आपके मन का ई समस्या जागृत रहे। थैंक यू। और अब हम चाहेंगे कि एक कविता और आप सुनाएं, फिर उसके बाद हम सवाल जवाब की तरफ। और हमारे साथ तिलक गीताई जी हैं, वो भी अपनी बात रखना चाहेंगे। मैं चाहूँगी कि तिवारी अंकल भी हैं, वो भी अपनी बात कहेंगे बिल्कुल, पर पहले आपकी कविता। मैं ये कविता पढ़ना चाहूँगा जो मेरे अपने गांव की याद दिलाता है, मेरे अपने घर की याद दिलाता है। इसका शीर्षक है मेरा अपना घर। आज फिर मेरे बूढ़े हो चले मकान ने मेरे ख्वाबों में दस्तक दी। उसकी उम्र करीब 100 पार कर 40 हो चुकी होगी। वो जर्जर सा खड़ा मकान कभी मेरा घर होता था। सामने अस्पताल में जन्म हुआ था मेरा,
वहीं घुटनों के बल मैंने चलना सीखा, बोलना और पहले पहल दीवारों पर लिखना सीखा, दौड़ना सीखा, हंसना रोना और चुप रहना सीखा, पेड़ पर चढ़ना, मिट्टी से खेलना और पतंग उड़ाना, सब कुछ मानो उस घर के अहाते में ही तो मैंने सीखा। उस बड़े से मकान में मेरी एक छोटी सी अलमारी होती थी जिसमें न जाने कितने सपने छुपाए थे मैंने। किताबों को जमाया, पेंसिलों को सजाया, कई सारी तस्वीरों को लगाया। आज फिर याद आया अलमारी का वो खंड जिसने मेरा साथ दिया हमेशा। आज भी वो अलमारी अपने अंदर मेरे उन छोटे छोटे सपनों को संजोए होगी। वो मेज, वो कुर्सी पास कहीं टूट चुकी होगी, वो पलंग अब इंतज़ार कर दम तोड़ चुका होगा या फिर किसी और के घर बेच दिया गया होगा। उस पर अपने प्रकार से गड़े मेरे नाम को फिर भी उसने अपने आप में संभाल के रखा होगा। वो खिड़की जहाँ मैं खड़ा हो चंपा के पेड़ को तकता, सूर्यास्त को देखता, तो कभी चहकते पंछियों से बात करता, आज भी अपनी सलाखों पे मेरी मुट्ठियों के निशान को संभाले होगी। कितना कुछ देखा था मैंने उस खिड़की में और कितना कुछ देखा था उस खिड़की ने मुझ में। मेरा बीता कल, मेरा आने वाला पल, मेरे आंसू, मेरी खीज, मेरी हथेलियों का पसीना, सब कुछ उन हरी सलाखों पे चस्पा हैं। बेशक वो काली पड़ गई होंगी, मेरे इंतज़ार में अब थक गई होंगी। वो बड़ा सा आंगन और वो चार दीवारी जहाँ मैंने क्रिकेट सीखा, दौड़ना हारना सीखा, वहाँ मैंने जीतना भी। वो आंगन अब दरारों में होगा, अपनी हालत पर अब रोता भी ना होगा। वही आंगन से खुलता था एक खरा दरवाज़ा कुएं की ओर, जिसकी ओट में हम बैठा करते थे पानी भरते। अब अकेला वहीं खड़ा होगा, उसका पानी भी अब ठहरा होगा। अमरूदों के पेड़ अब कट चुके होंगे, पर मैंने देखा नारियल का वो लंबा पेड़ अब भी यूं ही खड़ा है। पत्तियां कुछ कम है लेकिन फल दे रहा है। बगीचे की दीवारें जो कभी हमारी ढाल थी अब नदारद हैं। गिरने से पहले दीवारों ने मुझे पुकारा होगा, मैं था नहीं वहाँ, कहीं दूर अलग दुनिया में अब नई दीवारों से घिरा, उन चिल्लाहटों को कहाँ सुन पाया होगा। कितने कोने थे उस घर में, हर एक ने मुझे छुपाया था, संभाला था, मेरे कुरेदन को झेला था, मुझे अपना समझकर पाला था। वो कोने अब निढाल होंगे, कुछ टूट चुके होंगे तो अब कुछ टूटने को होंगे। मेरी वो साइकिल अब मुझे दिख नहीं रही, मेरे जमा किए वो सारे पत्थर भी गायब हैं। वो लटाई, वो क्रिकेट का बल्ला, मेरी रजाई, मेरी हवाई चप्पल, मेरी लालटेन, मेरी शीशे की डिबरी, मेरा बचपन, मेरा वो घर, कुछ नहीं बचा अब। कहने को कई घर हैं अब, रोशनी की कमी नहीं अब, मखमल है, कारें हैं, पर मेरी साइकिल अभी भी याद है मुझे, मेरा वो अपना घर अभी भी बांधे है मुझे। और अब मैं अनुरोध करूंगी तिलक अंकल आपसे। कई लोगों को याद आई होगी अपनी, अरे क्या माना, मैं एक मुक्तक सुनाऊंगा आपके लोगों को, मुक्तक भी सुनाऊंगा एक, बहुत अच्छा कहा, बहुत ही अच्छा कहा। मंचासीन आदरणीय इकराम भाई, बिस्सा जी, मनीष जी, अंशु जी, उपस्थित सभी विद्वजन, सबको मेरा नमन। विषय तो इकराम भाई का रहा बोलने का मैं अपना आप चित्रकार हैं तो आप को स्वागत है आपका, क्योंकि कवर प्राइस पे हमारी चित्रकारी ही है सबसे पहले। देखिए, मनीष जी का एक खास जो शौक़ रहा शुरू से ही, वो चित्रकारी और कविता दोनों उनका बराबर चलता रहा, और ये इनके अंतर्मन में इतना रहा कि ये किसी भी फील्ड में कहीं भी चले गए तो वो बराबर जो है इनके साथ में लगा रहा, और वो साइड बाय साइड इतना डेवलप हो गया कि इन्होंने आदित्य फिल्में बना डाली इसी उसमें जुनून में, जो कि नेशनल अवार्ड और इंटरनेशनल जो है ऑस्कर तक में चली गई इनकी न्यूटन, और स्वयं अमिताभ बच्चन ने उसकी मुक्त कंठ से प्रशंसा की कि क्या फिल्म बनाई है। ऐसे दिग्गज जो मिलेनियन व्यक्ति है उसकी तारीफ करना मैं समझता हूँ बहुत बड़ी इनकी प्रतिभा का वो है। और मैं आपको बताऊँ, मैं जब स्टूडेंट था आर्ट कॉलेज का तो मैं सत्यजीत रॉय से बहुत प्रभावित रहा,
वो स्वयं एक चित्रकार था, इलस्ट्रेटर था और बुक्स की इनकी इलस्ट्रेशंस बनाता था। जब उसकी फिल्में बनाने की उसके दिमाग में आई तो वो उससे पहले अपने पात्रों की स्केचिंग खुद उसको करता था अपनी नोटबुक में। और यही चीज़ अगर मैं, ये अतिशयोक्ति नहीं होगी अगर ये कहूँ कि मैं सत्यजीत रॉय की मनीष जी में जो है झलक देखता हूँ और उसी तरह से इन्होंने जो आगे नाम कमाना है, मैं समझता हूँ कि साहित्यिक पक्ष तो इकराम भाई ने और बिसा जी ने बहुत अच्छा रख दिया है, लेकिन मैं जो प्रतिभा इनमें छुपी हुई देखता हूँ, ये संपूर्ण एक कलाकार है। और ये तो एक किताब की शुरुआत है साहब, इस पे जो इन्होंने लिखा है वो बेजोड़ है। उसके अलावा जो आगे आने वाला जो वक्त है वो मेरी बात को पूरी तरह सिद्ध करेगा कि ये एक दूसरे सत्यजीत रॉय कहलाएंगे। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। और अशोक तिवारी अंकल से मैं अनुरोध करूंगी कि आपकी ब्लेसिंग्स हमें मिले। आप सब लोगों को मेरा प्रणाम, ऑडियंस को भी प्रणाम। मैं डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश में काम करता था यूनिवर्सिटी में, वहाँ मैंने 38 साल काम किया और मेरी ज़िंदगी अंग्रेज़ी से ताल्लुक़ रखने में गुजर गई। आई एम नॉट रियली अ राइटर, मैंने कुछ लिखी हैं चीज़ें, और मार्च के इशू में अंशु जी ने मेरी दो पोएम्स उसमें सिंपली जयपुर में निकाली हैं, और भी कुछ पोएम्स हैं जो वक्त वक्त पर साहब के सामने आएंगी। तो मुझे खुशी है कि मनीष जी ने एक ये नई एक्टिविटी में प्रवेश करके और एक नई ऊंचाई को छुआ है एक तरह से। उस ऊंचाई से मैं बहुत दूर हूँ, बहुत दूर हूँ, तो मुझे बहुत कुछ कहने को अभी नहीं है, मैंने किताब पढ़ी भी नहीं है, लेकिन शायद पढ़ने पर मैं उससे इंटरैक्ट कर पाऊँगा और हो सकता है कभी मैं और चर्चा कर पाऊँगा, अभी तो मुझे ज़्यादा मालूम नहीं है। और आर्टिस्ट हैं एंड आई एडमायर दैट वेरी मच, एंड इट इज़ जस्ट अ मैटर ऑफ coincidence that I am an artist myself, an emerging artist, a budding artist at the age of 75 plus. मुझे रिटायर हुए 14 साल हो चुके हैं, तो शायद मेरे में भी कुछ एक्सप्रेस करने के लिए कुछ है। तो मैं ये जब पढ़ूंगा कविताएं तो मैं ढूंढूंगा some echoes for my feelings perhaps, and maybe one day I'll be able to talk about them in the form of poems. I'm not sure how to what measure of success, lekin main likhta rahunga, aap se prerna leta rahunga aur likhta rahunga. Mere vishay zara simple hote hain, ye gud baatein hain aur Anshu ji bhi gud baatein likhti hain, to main to एनवायरनमेंट, सोसाइटी, ऐसी चीज़ों पे, सोशल प्रॉब्लम्स, इन चीज़ों पे मेरा ध्यान जाता है और मैं आई वर्क ऑन दोज आइडियाज़। सो आई विल बी एबल टू एक्सप्रेस माई सेल्फ इन अ डिफरेंट वे, बट नॉट मे बी ऑन सच कॉम्प्लेक्स इश्यूज ऑफ द माइंड एंड द हार्ट। सो थैंक यू वेरी मच, आई एम वेरी हैप्पी टू बी हियर, and I congratulate Manush ji from the depths of my heart, and I hope he will follow this book with others dealing with maybe the same kind of stuff, maybe with different issues in society. We wish you good luck in your endeavors. Thank you very much. Thank you so much. Aur aap mein se kisi ke koi sawal ho to bilkul sawalon ka swagat hai।
और मेरा भी एक्सपीरियंस ये कहता है कि एक समय ऐसा था कि जब लिखने का दौर था और जो कविताएं थी वो लिखने के तरीके से लिखी जाती थी, लेकिन आज का जो दौर है वो प्रेजेंट करने का दौर है, जिसमें तरन्नुम की तरह, गीत की तरह इस तरह से कविताएं लिखी जाती है। तो वो मुझे कुछ आपके एक, मैंने जब इसमें देखा तो वैराग्य अच्छा है, वैराग्य भाव अच्छा है, इंतजार अच्छा है, लेकिन एक जो तरन्नुम की तरह या ऐसे पेश करते हैं जैसे कि इकराम राजस्थानी जी ने अपनी कुछ बातें कही तो उसका जो इम्पैक्ट अच्छा होता है वो मुझे कहीं एक मिसिंग लगा, ये मैंने थोड़ा सा इसमें तो एक जो समझे सर, ये तो समझा रहे हैं जवाब नहीं, मैं समझ गया आपकी बात को। एक्चुअली मैं भी थोड़ा सा संवेदनशील आदमी हूँ, भाव विभोर हो गया हूँ, मुझे कवि कहा जा रहा है, मैं खुद को कवि मानता नहीं हूँ, मैं सीधा साधा आदमी हूँ जो व्यापार समझता हूँ और कला को समझता हूँ और जो मेरे दिल में आता है वो करता हूँ। मैंने ना तो पोइट्री पढ़ी है एज ए सब्जेक्ट, एज ए लिटरेचर, जो मेरे दिल में आया, जो मेरे मन में आया वो मैंने लिख दिया, वापस जा करके उसकी छेड़खानी भी नहीं करी। जो कुछ भी है वो मेरा मन है और वो सारा कुछ मैंने लिख दिया, ये मेरे दिल में बात आई और मैंने लिख दिया, वापस जा करके मैंने उसको छुआ भी नहीं। सच बताऊँ तो यहाँ स्पेलिंग मिस्टेक्स कुछ थी जो वो ठीक हुई, बाकी मुझे नहीं लगता है कि मैं उस लेवल पे कभी उस तरन्नुम जो आप बोल रहे हैं, जो लय आप बोल रहे हैं, जो राइम आप बोल रहे हैं, वहाँ जा पाऊँगा, क्योंकि वो बहुत कठिन रास्ता है, वो बड़ा परिश्रम से हासिल हुआ। आज जो ये तरन्नुमता की बात होती है, मैंने दूसरे काम फैला रखे हैं तो शायद मैं वो उतना कठिन तप नहीं कर पाऊँ, जितना मैं कर पाया वो मैंने कर दिया और इसी तरीके से करता रहूँगा, और अगर कुछ ज्ञान ज़्यादा बढ़ा तो कुछ अच्छी कविताएँ भी बन पड़ेंगी। थैंक यू। छंद और ताल से बंधन से मुक्त होकर के रजत पास्ट पूर गए, ठीक है ना? आप ये सब एक्टिविटीज कैसे मैनेज करते हैं, बिजनेस, फिल्म्स, कविताएं, सो मेनी थिंग्स, हाउ डू यू मैनेज? आई थिंक योर स्टेटमेंट विल बी इंस्पायरिंग टू द यंग जनरेशन। इस पे कविता एक्चुअली मेरी लिखी है, वो मैं सुना, वो इस किताब में नहीं एक्चुअली। ये सवाल जिन्होंने किया है वो डॉक्टर मालपानी है, और बहुत ही बेहतरीन सवाल है कि कैसे मैनेज किया जाए लाइफ को, कि चित्रकारी भी की जाए, कविताएं भी लिखी जाए। ये छोटी सी पोएम है, उसका नाम है क्षण। मतलब आज से 4-5 दिन पहले मैं लगभग मर चुका होता, आप नहीं होते तो, केनिया के जंगल में जब मैं वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी कर रहा था। तो भगवान का आशीर्वाद है कि मैं जिंदा हूँ, मैं यहाँ हूँ। कविता का नाम है क्षण भंगुर सा जीवन। जीवन के हर क्षण हर लम्हे देते हैं जीने की नई दिशाएं, एक ही जीवन में हम जी लेते हैं कई जीवन की आकांक्षाएं, एक ही जीवन में पी लेते हैं कई जन्मों की आसक्ति, एक ही जीवन में जी लेते हैं कई रंगों का अंबार, कई दुखों का गुबार, कई सफलताओं का सफर, कई विफलताओं का असर, अंतहीन इच्छाओं का ज्वार, कुछ अच्छों का साथ, कुछ अपनों का त्याग, अनगिनत आंसुओं की अविरल धाराएं, जन्म जन्मांतर के संकल्प, अनंत दुखों की सीमाएं, कुछ धोखे, कई सारे पछतावे, कई आशाएं, अनगिनत उजाले, कई धड़कती धड़कने, कई उजड़े दिल, कई राहें, नई राहें, अनदेखी, अनसुखी, अनसुनी, कई अनकही इच्छाएं, कई दबी सी चाहें, इस क्षण भंगुर से जीवन में हम कितना कुछ जी लेते हैं। बहुत ही खूबसूरत। और कोई सवाल पूछें? हाँ जी। आपको मोटिवेट किया कि आप लिखें और इस इतना अच्छे अनुमान से आपने अपनी किताब लिखी है?
मैंने वही अभी पढ़ा कि ये जीवन एक ही जीवन है हमारे पास, और हम हमें चाहिए कि हम सारे रंग इस जीवन के जी लें मरने से पहले। और हर इंसान ये काबिलियत है कि उसके अंदर व्यापारिक संस्कार भी होते हैं तभी हम इंसान की कैटेगरी में आते हैं, उसके अंदर संवेदनशीलता भी होती है तभी हम इंसान की कैटेगरी में आते हैं, उसके अंदर एक दिल भी धड़कता है, उसके अंदर एक मन होता है, और उसके अंदर एक इच्छाओं का ज्वार भी होता है, और सपनों का सागर भी होता है। सब कुछ हमारे अंदर समाहित है, हम कुछ एक हिस्से को पकड़ कर रह जाते हैं, हम पूरा नहीं जी पाते। मेरे हिसाब से जो मुझे लगता है कि हर कोई परफेक्ट नहीं हो सकता, हर कोई हर चीज में परफेक्ट नहीं हो सकता, लेकिन सब कुछ थोड़ा थोड़ा जी सकता है और उसका आनंद ले सकता है, उससे ही जीवन पूर्ण रूप से जिया जा सकता है। अच्छा है ये मैक्रोमैन पर्सनैलिटी, मैक्रोन बनियान पहनने से नहीं होता, दैट्स मैक्रोमैन। सब तरह के। अभी तो और कोई सवाल नहीं है ना? एक सवाल है हमारे पास, बिल्कुल पूछे बगू। बोलिए ना, आप पहले बोलिए। बिल्कुल, आप ही पूछिए। आप कुछ कह रहे थे सर? हाँ, मैंने मनीष जी को सुना है अभी अभी, और पहले भी मैंने ये बात कही है, इनसे नहीं मिलने के पहले भी मेरी धारणा यही बनी थी कि यह उनकी पहली किताब नहीं है। सोच की जो परिपक्वता मैंने इनके यहाँ देखी है, शब्दों का शिल्प जो मैंने इनके यहाँ देखा है, और सबसे अच्छी बात यह है, अक्सर हम लोग ये महसूस करते हैं कि जो लोग अच्छा लिखते हैं वो उसे अच्छा प्रेजेंट नहीं करते हैं, लेकिन मनीष जी में ये खूबी देखी मैंने अभी कि वो अच्छा लिखते भी हैं और अच्छा प्रेजेंट भी करते हैं उसे। मैं बीइंग ए मैन ऑफ ऑल इंडिया रेडियो, बीइंग ए कमेंटेटर, बीइंग एन आर्टिस्ट ऑफ फिल्म, मैंने ये महसूस किया कि एक सुझाव मैं इनके लिए देना चाहता हूँ कि अंशु भी इस बात को समझ रही हैं, जानती हैं, वो एंकरिंग बहुत अच्छी करती हैं और मैंने एंकरिंग के बहुत से लोगों को कोर्स करवाए हैं। मैंने मनीष जी की आवाज़ में एक रेडियोजेनिक वॉइस, एक कल्चर, रेडियो कल्चर पाया। अच्छी आवाज़ है आपकी, मैं कोई आपको अप्रूव नहीं कर रहा हूँ ऑल इंडिया रेडियो से, लेकिन मैंने आपको एज एन आर्टिस्ट सुना तो अच्छा लगा, और सुझाव सामने ये आया कि आपकी किताब बहुत अच्छी है, पढ़ आप बहुत अच्छा रहे हैं, वॉइस क्वालिटी आपकी बहुत अच्छी है। मैं आपको सुझाव ये देना चाहता हूँ कि आप अपनी कुछ कविताओं को लेकर के एक ऑडियो बुक ज़रूर तैयार करें। वो प्रोसेस में है सर, बिल्कुल। हाँ, वो ऑडियो बुक आपकी होनी चाहिए। प्रोसेस में है, काम चल रहा है। हाँ, अंशु है तो प्रोसेस में तो आनी ही थी वो। दैट्स वेरी गुड, दैट्स वेरी गुड। उसकी अच्छी तैयारी कीजिए और अच्छी से बनाइए और फिर उसको अच्छा सा रिलीज़ कीजिए। अब मैं इनकी कविता पे आता हूँ, जो इन्होंने गांव की कविता भी सुनाई, मुझे अभिभूत कर गई वो कविता। देखिए, आज के नौजवान में जब हम सोचने के भाग रहा है, दौड़ रहा है, शहरी ज़िंदगी जी रहा है, विदेशों में नाइजीरिया में बैठा हुआ इंसान है और वो अपने गांव को, अपने खान को, अपने आलमारी के खान को याद कर रहा, कितना एक अपनत्व, कितना अपना। तो अभी इसका मतलब ये हुआ कि हमारी जो आत्मीयता है, हमारी जो आंचलिकता है, हमारा जो गांव के प्रति मोह है, यह अपने ढंग से बात कह रहे हैं, हम अपने ढंग से बात कहते हैं। जैसे मैंने कहा कि पीपल का पत्ता उड़ा छूकर मेरे पांव, पीपल का पत्ता उड़ा छूकर मेरे पांव, चुपके से कहने लगा बुला रहा है गांव। ये मेरा दोहा आपको मैंने इसलिए सुनाया, एक और चार लाइन आपको इसलिए सुना रहा हूं कि आपके पास वो भावनाएं, वो संवेदनाएं भरपूर हैं, उनका बहुत अच्छा उपयोग करेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। चार पंक्तियां देखिएगा कि नीम के पत्तों पे सावन भी चला आता है, नीम के पत्तों पे, नीम के पत्तों पे सावन भी चला आता है, माँ का
लीपा हुआ आंगन भी चला आता है, नीम के पत्तों पे सावन भी चला आता है, माँ का लीपा हुआ आंगन भी चला आता है, और ये मेरी उम्र भी मुड़ मुड़ के चली आती है, गांव जाता हूँ तो बचपन भी चला आता है। ये अब ये कहने के फर्क पड़ रहे हैं, लेकिन मैं किताबों की या कविताओं की विधा पे बात नहीं करना चाहता। विधा कुछ भी हो वो समझ में आनी चाहिए, क्योंकि मम्मट जो हमारे बहुत बड़े विद्वान हुए वो कहते हैं वाक्यम रसात्मक काव्यम, जिस वाक्य में रस निकलता हो, रस की उत्पत्ति होती हो, जिसको सुनने से आनंद आता हो, बस वही कविता है। तो आपके पास महसूस करने की एक शक्ति है, और मैं ये दुआ करना चाहता हूँ, एक ही दुआ दे रहा हूँ कि आपकी बातें कभी पूरी ना हों, हमेशा अधूरी रहें, और उन अधूरी बातों से आप ये जो समाज को पूर्णता देंगे, ये इस समाज के लिए बहुत बड़ा योगदान साबित होगा। थैंक यू वेरी मच। और अब मैं आग्रह करूंगी आरएस लड्डा अंकल और निर्मला आंटी से, जो कि मनीष जी के सास ससुर हैं, क्योंकि जयपुर के दामाद हैं ये, तो एक दामाद के तौर पे इनका तो आप आए और डिग्निटरीज ऑन द डाइस और सभी भाव महानुभावों को, हालांकि इतना सब कुछ कहा जा चुका है और मेरा तो ये फील्ड भी नहीं है कि मैं इस बारे में कोई ज़्यादा बात करूं, आपकी ब्लेसिंग, लेकिन मैं इतना ही कह सकता हूं कि मनीष जी इज नॉट इज बिकॉज माई इज माई सन इन लॉ, इट्स अ वंडरफुल पर्सन, आई जस्ट टेल यू, आई डोंट नो विच उनकी किस फील्ड पर बात की जाए, एंड लेट मी टेल यू इज अ वेरी गुड कुक एज वेल, and we really always enjoy the delicious food every time he comes here, and he's so down to the earth, khate hain khud khana bana ke khilate hain, he's a good painter as well, and what he's not I don't know, and sabse achhi baat hai ki itna sab kuch hote bhi itne jude hue hain ki hamesha apne ghar walon se humse sabse, to ab inki to jitni tareef ki jaye uske liye mere paas lafz nahi hai, aur main इस काम के लिए उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, एंड आई विश हिम मैनी मोर माइलस्टोन इन द फ्यूचर टू कम। आप जो एक छोटा सा टोकन ऑफ लव अंकल आंटी अपनी तरफ से मनीष जी को देना चाहते हैं? और विजय आंटी और वीरेंद्र अंकल से मैं अनुरोध करूंगी कि आप वो भी अपना एक टोकन ऑफ लव मनीष जी को देना चाहते हैं। और कार्यक्रम अब अपने अंतिम पड़ाव पर है, आई होप कि किसी का कोई सवाल अधूरा ना रहे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद मैं कहना चाहूँगी। आप अंकल आप आना चाहेंगे? मंच में विराजमान सभी आदरणीय बंधु और उपस्थित साथियों, आज की इस उपलक्ष्य में कुछ एक दो बातें मैं कहना चाहूँगा। मनीष जी की जो किताब आई मैंने अभी पढ़ी नहीं है, अभी ले जाने के बाद थोड़ा पढ़ाई करूँगा, उसके बाद इसको विचार करूँगा। मैं थोड़ी सी अभी बारे में थोड़ी जानकारी देना चाहूँगा। मैं बैंक से रिटायर्ड हुआ हूँ 2002 में, 76 ईयर्स मुझे हो चुके हैं, मेरी एज है अभी,
इस पिछले 3-4 साल के दौरान मैंने भी कुछ किताबें लिखी हैं, जैसा कि करम साहब ने बताया कि जीवन ये कभी भी पूर्ण नहीं हो सकता, अधूरा ही रहे तो अच्छा है। मैं इस बात को पूरी सहमत हूँ। तो मैंने भी जीवन में सोचा है कि बैंक से रिटायरमेंट होने के बाद में जीवन तो अपना क्या है, बैंक का ही काम किया, आपने क्या किया। और साथियों, मैंने भी अपने जीवन में बहुत सारी नई नई चीज़ें जीवन में शुरू करी। नई चीज़ हो सकती है, अपना एक एनजीओ बनाया, मस्ती से उसको चलाया, 4-5 साल उसके मजे लिए एनजीओ के, आज भी वो एनजीओ चल रहा है। मैंने मेडिसिन लेना शुरू किया, नेचुरोपैथी की मेडिसिन, नेचुरोपैथी में बहुत बिलीव करता हूँ मैं, उससे इतना प्रभावित हुआ कि मैंने उस पर किताब लिख डाली। किताब का टाइटल था हेल्थ प्रमोशन थ्रू डिवाइन फूड्स। जो आज हमारे किचन के अंदर जितनी भी सामग्री उपलब्ध है वो मेरे लिए डिवाइन है, अमृत के समान है। बहुत अच्छी इंग्लिश में किताब वो लिखी। मैंने कभी ज़िंदगी में सोचा नहीं था कि मैं भी किताब लिख पाऊँगा। तो जीवन हमारा ऐसा चल रहा है कि जीवन में कभी चीज़ें पूर्ण नहीं मिल सकती, और मैं इसी बात को पूरी जोर देकर कहता हूँ कि हमें जीवन में कुछ न कुछ करते रहना चाहिए। आज मनीष जी के बारे में इतनी सारी बातें की है कि बहुत अच्छे चित्रकार हैं, 4-5 फिल्में नेशनल अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर इनकी बहुत अच्छी लिखी गई, देखी गई है। मतलब किस चीज़ की कमी है? अभी जैसा बताया कि किचन में चले जाते हैं और खाना बना लेते हैं, डाउन टू अर्थ हैं, जीवन संपूर्ण नहीं हुआ है। हालांकि अभी उम्र उनकी कुछ नहीं है, अभी तो जीवन में बहुत कुछ जीना है, पर जितने चीज़ें इनके पास हैं बहुत ही सोचने की, आपके हमारे सबके लिए काम की बातें हैं। हम भी हमारे जीवन में कुछ करें, सिर्फ एक ही चीज़ को लेकर बैठ गया जिंदगी हमारी पूरी हो गई, ऐसा ना सोचें। मैंने भी किताबें लिखी हैं, मेडिसिन भी ली हैं, अभी नई चीज़ मैंने भी शुरू की है, मैं भी चित्रकारी कर रहा हूँ। पिछले 6 महीने से मैंने भी चित्रकारी शुरू करी, और स्पेशली मेरे बहुत सारे साथी जो यहाँ विराजमान हैं, जो सीनियर सिटीजन्स हैं, जिनके पास अभी सुनने में ही बहुत कुछ आ रहा है, पेपर में भी आ रहा है कि डिमेंशिया की बीमारी बहुत प्रवर्तित हो रही है। हमारी सबकी उम्र 70+ के बहुत सारे मेरे साथी लोग बैठे हुए हैं जिनको दिमाग से थोड़ा सा भूलने की आदत शुरू हो गई है। अभी कई चीज़ रखी है उसको हम भूल जाते हैं, डिमेंशिया की बीमारी के बारे में उंगलियां कांपने लग गई है, लिखते हैं तो चलता नहीं हाथ। इस बीमारी को रोकने के कुछ न कुछ तरीके तो हमें अपनाने होंगे, और सबसे बेस्ट तरीका हाथ से कुछ लिखना शुरू करो, चाहे ड्राइंग करो, चाहे पेंटिंग करो, आपके हाथ चलेंगे और दिमाग चलता रहेगा, दोनों चीज़ों पर उसका नेचुरल में प्रभाव पड़ेगा। मैं इस मौके पर ज़्यादा अपनी बात को नहीं कहना चाहता, यही एक बार से फिर मनीष जी का बहुत बहुत शुक्रिया अभिनंदन करता हूँ, आश्वासन देता हूँ कि उन्होंने बहुत ही सुंदर कार्य किया है, और भविष्य में और इससे और अच्छा कार्य करते रहें। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और अब इन अधूरी बातों के सिलसिले को भी हम विराम देना चाहेंगे, और अब मैं चाहूँगी कि एक छोटा सा हमने किताब का मोमेंटो बनाया है, तो मनीष जी आप अपने हाथों से हमारे दोनों अतिथियों को दीजिए। सुनने और बोलने के बाद मुझे लगता है कि एक ही शब्द बचा है, माइक आभार और धन्यवाद। आभार आपका, आपको बहुत शुभकामनाएं कि आप इस यशस्वी बने दुनिया में, इस उम्र में आ गए, इसका आभार आपका एक्चुअली। पीछे हमने बुक्स रखी हैं, आप वहां से अपनी अपनी बुक ले सकते हैं, और बुक साइनिंग के लिए आप मनीष जी के पास आ सकते हैं। मैं लिखूंगा या बस जी लिखेंगे, कौन तो लिखेगा। आप इस पर लिखिए, हम लिखेंगे आपके। आप मिश्रा जी के साथ भेंट कर दिया।